जो है उसने कंज्यूमर्स को कहा था कि हम लोग जो अपने लेज की चिप्स हैं, इस चिप्स के अंदर आपको कौन कौन से फ्लेवर चाहिए, आप अपने फ्लेवर्स हम लोगों को फला 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 जगह पे मैसेज करें। तो लोग जो है वो इनपुट दे रहे थे कि हमारे लेज के अंदर ये फ्लेवर्स आने चाहिए। तो ये कंज्यूमर से जब इनपुट ले रहे होते हैं और इससे लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, और उससे दूसरे नंबर पर फायदा ये होता है कि हमारा खर्चा भी कम आता है, और तीसरे नंबर पर फायदा ये होता है कि हमें एक नए नए आइडियाज भी मिल जाते हैं। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन सा जो है चूज करना है। ठीक है, मेजर स्टेप्स कौन से होते हैं? सबसे पहले डिसाइडिंग ऑन रीच, फ्रीक्वेंसी, इंपैक्ट। ठीक है, नंबर सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ तक पहुंचेगी, हमारी इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी कब कब हमारा मैसेज पहुंचेगा, और नंबर थ्री हमारी मैसेज से क्या इम्पैक्ट जाएगा। ये तीन चीज़ें, ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया व्हीकल्स जो है उनको भी हम लोग जो है वो सजेस्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि उसके साथ हम लोग क्या करें। और आखिर में आएगा डिसाइडिंग ऑन मीडिया टाइमिंग, मीडिया की टाइमिंग जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोगों ने वो भी डिसाइड करना होता है। फिर हम आगे चलेंगे जी। नंबर वन, रीच। रीच इज द मेजर ऑफ परसेंटेज ऑफ द पीपल इन द टारगेट मार्केट हु आर एक्सपोज्ड टू द एड कैंपेन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हम ये चेक करेंगे कि इस टाइम के दौरान, ठीक है, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी पीपल जो है उन तक हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंची है, क्या परसेंटेज ऑफ टारगेट मार्केट है जो पहुंची है। फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ हाउ मैनी टाइम्स एवरेज पर्सन इन द टारगेट मार्केट एक्सपोज टू द मैसेज, कि एक मैसेज जो है वो हमारा मैसेज एक बंदे तक हाउ मैनी टाइम्स कितनी मरतबा गया है, एक बार गया है, दो बार गया है, तीन बार गया है, चार बार गया है, ये चीज़ें डिसाइड करनी है। ठीक है जी। नंबर थ्री, इम्पैक्ट। इसका फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा? कुछ लोग होते हैं जिनको एक मरतबा इन्फॉर्मेशन देती है वो परचेज करता है, कुछ लोगों को दो तीन चार पांच मरतबा जब इन्फॉर्मेशन जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाती अवेयरनेस मिलेगी तो फिर कहीं जाके उनको वो परचेज करेंगे। फिर क्या होता है इम्पैक्ट? इम्पैक्ट इज द क्वालिटी क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ द मैसेज एक्सपोजर थ्रू द गिवन मीडियम, कि वो जो उस मीडियम के जरिए हम लोगों ने मैसेज दिया इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा कि ऊपर जो है वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जी, यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी प्रोडक्ट कितने लोगों तक पहुंची, यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कितनी बार लोगों तक पहुंची, यहाँ पे देखा कि लोगों ने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या किया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। लोगों ने परचेज किया, लोग हमारी परचेज करने के लिए इंटरेस्ट लिया। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो उसमें देखेंगे। ठीक है, या लोगों ने इग्नोर कर दिया। फिर आगे आएंगे सिलेक्टिंग मीडिया व्हीकल्स। ठीक है, मीडिया व्हीकल को सिलेक्ट करना है इन्वॉल्व डिसीजन प्रेजेंटिंग द मीडिया इफेक्ट एंड एफिशिएंटली टू द टारगेट कंज्यूमर्स एंड मोस्ट कंसिडर्ड मैसेज एंड मो एंड मस्ट कंसिडर्ड मैसेज। इम्पैक्ट देखेंगे क्या हुआ, इफेक्टिवनेस और कॉस्ट, कितना खर्चा लगा हमारा लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। ठीक है, कितना खर्चा लगा हम लोगों ने लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और जो हमारा मैसेज है और जो व्हीकल हम यूज़ करें, जो तरीकेकार यूज़ कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। फिर आगे क्या आएगा, सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, नैरो कास्टिंग वर्सेस शॉटगन अप्रोच। ये दो किस्म की अप्रोचेज होती है, एक होती है नैरो कास्ट और एक होती है शॉटगन। इन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर वन, तो नैरो कास्ट फोकसेस ऑन मैसेज ऑन सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट्स। जो हम लोगों ने मार्केट सेगमेंट सेलेक्ट किए होते हैं उन्हीं सिलेक्टेड सेगमेंट्स तक हम लोगों ने अपने मैसेज पहुंचाने होते हैं। ये नैरो कास्टिंग होती है जिसमें हमारी कॉस्ट कम आती है, टारगेट मोर इफेक्टिवली हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जो कि हमारी टारगेट मार्केट होती है, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इंगेज हो जाया करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, वेन डिसाइडिंग ऑन मीडिया टाइमिंग द प्लानर मस्ट सीजनैलिटी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मीडिया टाइमिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सीजनैलिटी देखेंगे कि क्या ये सीज़न है हमारी प्रोडक्ट को सेल करने का। फिर पैटर्न ऑफ द एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि हमारे एडवर्टाइजमेंट का पैटर्न क्या है, पैटर्न से बना दिया कि हमारा जो सोफिस्टिकेटेड टारगेट मार्केट कस्टमर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, या हम लोग लो लेवल जो हमारी इनकम के लोग हैं उनको मैं टारगेट कर रहे हैं, हम एजुकेटेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग मेडिसिन वालों को टारगेट कर रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर आएगा कंटिन्यूटी से मना दिया कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। जैसे आजकल प्रोटेक्स करो एक ऐड आया हुआ है, ठीक है, ये अब सोप है,
और इनके पास काफी सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें हम कहते हैं सेव करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, ये जो लफ्ज बार बार आ रहा है, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, ये कंटिन्यूटी आ जाती है बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे जल गया बरनो लगाइए, कट गया बरनो लगाइए, ठीक है। तो ये जब कट गया बरनो लगाइए, जल गया बरनो लगाइए, तो बरनो लगाइए जो है वो बार बार कंटिन्यूटी बन गई। और जब हम लोग नॉर्मली जब किसी को कहते थे यार उंगली कट गई, तो हम भी आगे से कह देते अच्छा बरनो लगाइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूटीज होती है जो कि हम इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, शेड्यूलिंग, एक गिवन पीरियड के अंदर चीजों को शेड्यूल करना। उसके बाद क्या आएगा, पल्सिंग, शेड्यूलिंग अनइवनली विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। पल्सिंग से मुराद ये कि शेड्यूलिंग अनइवनली, कंटिन्यूटी से मुराद ये शेड्यूलिंग विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक खास टाइम के अंदर कंटिन्यूटी आप लोग बार बार इसको चला रहे होते हो। और पल्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप इवन टाइमिंग्स के अंदर अनइवनली आप चला रहे होते हो, मैसेज को दे रहे होते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो हमारा खर्चा हो रहा होता है वो भी बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके ऊपर हमारी इन्वेस्ट क्या होता है वो हम लोगों ने चेक करना होता है, ठीक है जी, इवेल्यूएट करना होता है। फिर कम्युनिकेशन इफेक्ट्स, ये हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट है, सेल एंड प्रॉफिट इफेक्ट्स के, एडवर्टाइजमेंट लॉन्च होने से पहले क्या सेल थी और उसके बाद आफ्टर सेल में क्या इजाफा हुआ, तो उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेल्स जो है उसका फायदा हुआ हम लोगों को या नहीं हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग अगला जो पॉइंट आता है वो पब्लिक रिलेशंस की तरफ का आता है बच्चों, ये हमारा टॉपिक जो है एडवर्टाइजमेंट का वहाँ पे खत्म हो जाता है। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक रिलेशन एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर हम लोग बिल्डिंग गुड रिलेशन विद कंपनीज वेरियस पब्लिक्स बाय ऑब्टेनिंग फेवरेबल पब्लिसिटी, बिल्डिंग अप अ गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड हैंडलिंग और ही हेडिंग ऑफ फेवरेबल र्यूमर्स, स्टोरीज एंड इवेंट्स। हम क्या करते होते हैं, खास किस्म की अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में, हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में इमेज उसका बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हेडिंग ऑफ अनफेवरेबल जो र्यूमर्स होते हैं उनको हम लोग खत्म करने की हिसाब से कोशिश कर रहे होते हैं, स्टोरीज सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड इवेंट्स वगैरह अरेंज करते हैं। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज भी होती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कंपनी से रिलेटेड जितनी भी पब्लिक्स हैं, कंपनी से रिलेटेड जितने भी हमारी पब्लिक है, उस पब्लिक तक हमारी जो है वो प्रोडक्ट पॉजिटिवली पहुंचे और हमारी कंपनी का एक अच्छा इमेज तक जाए। पब्लिक रिलेशन इज यूज टू प्रमोट प्रोडक्ट, पीपल, आइडिया एंड एक्टिविटीज। पब्लिक रिलेशंस क्यों करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को प्रमोट करते हैं, हम आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग प्रमोट करते हैं। जैसे बहुत अर्सा पहले सर्फ एक्सेल ने एक बहुत बड़ी पब्लिक रिलेशन के लिए एक्टिविटी स्टार्ट की हुई थी जिसमें वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में, जो मुख्तलिफ शहरों के ग्राउंड्स में, इवन इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, लाहौर में भी, जो मशहूर मशहूर ग्राउंड होंगे उन ग्राउंड्स के अंदर उन्होंने एक एक्टिविटी स्टार्ट की, फैमिली एक्टिविटी, जिसमें फैमिली जाया करती थी, छोटे बच्चे जाते थे वहाँ पे, वो खेलते थे, अपने कपड़े गंदे करते थे और कपड़े गंदे करने के बाद उनके कपड़े जो है वो सर्फ एक्सेल से धोए जाते थे। और जब लोग कहते थे आपने यहाँ पे ग्राउंड में बच्चों को कपड़े गंदे करने के लिए क्यों बुलाया हुआ है, तो वो कहते थे कि बच्चे जो है वो दाग लगाएंगे तो सीखेंगे और दाग नहीं तो सीखना नहीं, ये उनका एक मैसेज होता था जिस मैसेज के जरिए लोग अपने कपड़े बच्चे गंदे करते थे ग्राउंड में खेल के और सर्फ एक्सेल जो है वो उनके कपड़े साफ करके देता था। तो ये एक पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी होती है जिससे लोगों के अंदर प्रोडक्ट जो है वो उसकी अवेयरनेस दी जाती है। फिर आगे आप पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट फंक्शंस इंक्लूड, पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, नंबर वन प्रेस रिलेशन, रिलेशंस और प्रेस एजेंसी, उनकी अपनी या तो प्रेस एजेंसी होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन की, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अदरवाइज वो प्रेस को मैनेज करने की एक उनकी एक डिपार्टमेंट होता है। जब प्रेस को मैनेज कर लिया तो नंबर टू देखेंगे कि प्रोडक्ट पब्लिसिटी, जो प्रोडक्ट्स होती है उनकी पब्लिसिटी करनी होती है, उनकी एडवर्टीजमेंट करनी होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक के जो अफेयर्स होंगे उनको देखा जाएगा। फिर लॉबिंग, फिर मुख्तलिफ किस्म की लॉबी जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाया करता है, हो जाया जाता है ताकि लोगों का जो है वो इस लॉबी के जरिए लोगों का जो इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट की तरफ आ जाए। फिर इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, वो जो इन्वेस्ट करने वाले होंगे उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए। और आखिर में आएगा डेवलपमेंट, वो प्रोडक्ट के से रिलेटेड और मार्केट डेवलपमेंट भी इसके अंदर आ सकती है। नेक्स्ट आएगा पब्लिक रिलेशन और प्रेस एजेंसीज,
पब्लिक रिलेशन और प्रेस एजेंसी, जैसे मैंने आपको बता दिया, मुख्तलिफ किस्म की जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप, पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशनशिप, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप, या प्रेस के साथ, खासतौर पर अखबार वाले, मीडिया के नुमाइंदे या मीडिया वालों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखे जाते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट या आपके लोग या आपकी जो सर्विसेज होती है उसको अच्छे तरीके से अटेंशन मिल सके। जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे मीडिया के साथ, तो मीडिया वाले जो है वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। अगर आपके मीडिया के साथ ताल्लुकात ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को प्रमोशन नहीं मिल सकेगी। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट पब्लिसिटी इन्वॉल्व पब्लिसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, खास किस्म की एक कंपनी जो है वो एक से ज्यादा